गौतमपुरा की संस्था भगत सिंह के युवा सदस्यों ने गौतमपुरा क्षेत्र में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। क्षेत्र के युवाओं की टोली ने जरूरतमंद बहनों को शिक्षा दिलाने के लिए राखी पर क्रांतिकारी कदम उठाया है। संस्था के सदस्यों ने राखी पर एक जरूरतमंद बहन से राखी बनवाई और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इन नए भाइयों का कहना है कि इनमें स्कूल की फीस के साथ कोचिंग फीस, स्कूल ड्रेस, स्कूल पहुंचने के लिए वाहन की सुविधा, काफी किताबों से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में होने वाला खर्च भी शामिल रहेगा। इस साल 3 बहनों से राखी बंधवा कर वह उनकी पढ़ाई का जिम्मा लेंगे। संस्थान भगत सिंह के 200 से ज़्यादा सदस्य हैं। पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सपनों की पाठशाला नाम से भी कोचिंग चलाने वाली इस संस्था के सदस्यों ने इस बार राखी पर जरूरतमंद बहनों को शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया है। संस्थान के सदस्य राहुल जाट, कृष्णा गुर्जर, आर्मी कमांडो संजय जाट, दीपक जाट, संजय प्रजापत, राहुल पाटीदार, गौरव राठौड़, अर्जुन जाट राखी पर गौतमपुरा के बलाई मोहल्ला निवासी अमृत कछावा के घर पहुँचे और 6 बेटियों में से बड़ी बेटी खुशबू से राखी बंधवाई। खुशबू 10वीं में पढ़ रही है। सदस्यों ने खुशबू की पूरी पढ़ाई का खर्च संस्थान द्वारा उठाने की बात कही है। उन्होंने खुशबू को निजी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन फॉर्म भी दिया है। संस्थान के राहुल जाट ने बताया, इस साल संस्थान 3 बालिकाओं को बहन बनाएगी और शिक्षा की जिम्मेदारी लेगी। अभी खुशबू को बहन बनाया है। हफ्ते भर में 2 और जरूरतमंद बहनों की तलाश करेंगे। बहनों की संख्या हर साल बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा जरूरतमंद बहनों को शिक्षा का उपहार दे सके। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। राखी पर ये न तो कोई मिसाल है और न कोई बिड़ा है। हम वही कर रहे हैं जो हर भारतीय को, हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए करना चाहिए। हम लोगों ने तय किया कि इस बार का रक्षाबंधन पर्व उन लोगों के साथ मनाया जाए जो समाज में अभाव में हैं, जिन्हें हमारी आवश्यकता है। हमने गौतमपुरा नगर में ऐसे एक परिवार का चयन किया जिसमें सारी बालिकाएं ही थी और उस परिवार की एक बालिका को गोद लेकर के उसकी शिक्षा, वो बालिका जहां तक पढ़ना चाहे वहां तक की उसकी शिक्षा का खर्च संस्था भगत सिंह वहन करेगी और उस बालिका की शिक्षा का पूरा प्रबंध संस्था भगत सिंह के माध्यम से किया जाएगा। ये समाज के प्रति हम सबकी एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आगामी वर्षों में ऐसी बहनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ये हमारा पहला प्रयास था। इस वर्ष शुरुआत 1 बहन से कर रहे हैं, आगामी वर्षों में ये कड़ी निरंतर रूप से आगे चलती रहेगी। कितने लोग हैं संस्था में और किस तरह की आगे की योजना है? संस्था में लगभग 150 से 200 सदस्य सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं हर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में। संस्था का प्रयास यही है कि प्रतिवर्ष 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बहनें मिल जाएं जो आगे पढ़ना चाहती है परंतु पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उन बहनों की शिक्षा का पूरा खर्च संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।